रीडिंग सेक्शन से देखेंगे डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। फॉर द गिवन पिक्चर्स आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पर एक इमेज दिए गए हैं, इस इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। यहाँ पे कुछ चिल्ड्रन से जिसके नाम लिखे गए हैं, गीटू, मीटू, राम एंड टीम। चलिए क्वेश्चन पहले हम रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। गीटू एंड मीटू लुक अ हैप्पी, बी एंग्री, सी सैड, बी इरिटेटेड। गीटू एंड मीटू, ये गीटू है एंड ये मीटू है, इनके फेस कैसे दिख रहे हैं हमें? हैप्पी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, हैप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। राम एंड टीनू आर प्लेइंग डैश स्नो बॉल, ए विथ, बी टू, सी कवर, डी इनटू। चलिए इसके हम देख लेते हैं। राम एंड टीनू स्नो बॉल के साथ खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्नो बॉल के साथ खेल रहे हैं। तो के साथ के लिए हमारा क्या लगता है? विथ। तो राम एंड टीनू आर प्लेइंग विथ स्नो बॉल। हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए SOF ओलंपियाड से क्लास फर्स्ट के सिलेबस एंड सैंपल पेपर लेकर आई हूँ। साथ ही इंग्लिश ओलंपियाड के बारे में कुछ जानकारी भी लेकर आई हूँ कि इंग्लिश ओलंपियाड का एग्जाम कौन से बच्चे दे सकते हैं, कौन कौन से क्लास के बच्चे इस एग्जाम में बैठ सकते हैं, एग्जाम की डेट क्या है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहती है, एग्जाम का मोड क्या रहता है, रजिस्ट्रेशन फीस क्या रहती है, साथ ही इसका टाइमिंग क्या रहता है, बच्चे एग्जाम कहाँ पर देंगे और किस तरह देंगे। तो चलिए इन सभी के बारे में जानेंगे। यह साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन के द्वारा ओलंपियाड एग्जाम करवाई जा रही है। इसको करीब 25 साल हो चुके हैं ओलंपियाड एग्जाम कराते हुए। ये बहुत ही अच्छी ओलंपियाड एग्जाम है, नंबर 1 ओलंपियाड एग्जाम इसे माना जाता है। इसमें एलिजिबिलिटी है, क्लास फर्स्ट 12 तक के कोई भी बच्चे इंग्लिश ओलंपियाड का एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम लेवल इंटरमीडिएट होती है। एप्लीकेशन प्रोसेस अर्थात वो स्कूल के द्वारा ही इस एग्जाम को दे सकते हैं, कोई भी बच्चा इंडिविजुअल या ऑनलाइन इस एग्जाम को नहीं दे सकता है। स्कूल के द्वारा ही ये एग्जाम स्कूल अथॉरिटीज के द्वारा करवाई जाती है। एग्जाम डेट इंग्लिश ओलंपियाड के लिए 3 डेट इशू की गई है, 26 सितंबर 2024, 8 अक्टूबर 2024 और 8 नवंबर 2024। इन तीनों डेट में से आपके स्कूल के द्वारा जो डेट इंग्लिश ओलंपियाड के लिए चूज की जाती है उसी डेट पर आपको एग्जाम देना होगा। एग्जाम मोड ऑफलाइन रहता है, अर्थात एग्जाम स्कूल आवर में स्कूल में बैठकर बच्चा दे सकता है। फी की रजिस्ट्रेशन फीस जो है 125 रुपीज होती है और यह एग्जाम साल में एक बार ली जाती है। लैंग्वेज इंग्लिश रहता है एंड ड्यूरेशन 1 आवर्स रहता है। इससे पहले भी मैंने क्लास फर्स्ट के कंप्यूटर और मैथ के रिलेटेड सैंपल पेपर, सिलेबस एंड एग्जाम डेट से रिलेटेड सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देखें। आइए अब इंग्लिश पेपर का हम सैंपल पेपर एंड सिलेबस देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे टोटल क्वेश्चन जो है यहाँ पर सिलेबस 2024-25 के लिए। मैं यहाँ पर बता रही हूँ क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश। टोटल क्वेश्चन 35 है एंड टाइम 1 आवर्स का रहता है। क्वेश्चन पेपर को 4 भागों में बांटा गया है, वर्क एंड स्ट्रक्चर नॉलेज जिससे 15 क्वेश्चंस रहते हैं, अपर क्वेश्चन 1 मार्क्स रहता है, रीडिंग से 10 क्वेश्चंस रहते हैं एंड पर क्वेश्चन 1 मार्क्स रहता है, स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन से 5 क्वेश्चंस रहते हैं और पर क्वेश्चन 1 मार्क्स। इसी प्रकार अचीवर सेक्शन जिससे 5 क्वेश्चंस रहते हैं और पर क्वेश्चन 2 मार्क्स रहते हैं। चलिए आइए हम सिलेबस देखते हैं। सिलेबस जंबल लेटर वर्ड, their meaning and opposites, identify the word from the picture, making a word, word power, feminine and masculine, one and many, word pairs, odd one out, animals, their babies, sound and group, nouns, pronoun, verb, conjunction, article, adverb, preposition, adjective, basic tenses, punctuation, comprehension, prose and poetry, पिक्चर कंपोजिशन, स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन। अचीवर सेक्शन हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं फ्रॉम द अबव गिवन सिलेबस। जो सिलेबस है
इसी से हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस रहेंगे। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चंस किस प्रकार के यहाँ पर पूछे जाते हैं। पहला है हमारा वर्ड एंड स्ट्रक्चर नॉलेज से है, सेक्शन वन। चूज द ऑड वन आउट, ए हेलीकॉप्टर, बी एयरप्लेन, सी बर्ड एंड डी जेट। ए बी सी तीनों आकाश में उड़ते हैं जबकि डी जो है अलग हो जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर जेट, ये तीनों उड़ते हैं तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, चूज द करेक्ट वर्ड, बॉटल, बाउल, वास, बॉक्स। ये जो यहाँ पर इमेज दिया गया है ये क्या है हमारा, तो ये है बॉटल, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें से करेक्ट स्पेलिंग हमें बताना है। ए स्वेटर, बी स्वेटर, सी स्वेटर एंड डी स्वेटर। स्वेटर की सही स्पेलिंग क्या होती है, तो सही स्पेलिंग है ऑप्शन सी एस डब्ल्यू ई ए टी ई आर, ये स्वेटर की सही स्पेलिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, करेक्ट द, चूज द करेक्ट आंसर, डैश टेबल इज डर्टी, ए मोस्ट, बी सम, सी द, डी ऑल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी द टेबल इज डर्टी। नेक्स्ट सेक्शन हमारा हो जाता है रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में ये इमेज दिया गया है, इमेज को ध्यान से देखने के बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस का हमें जवाब देना होता है। क्वेश्चन नंबर फाइव एंड सिक्स ये इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। फॉर द गिवन पिक्चर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, गोल टू, मी टू, राम एंड टीनो। क्वेश्चन नंबर फाइव, मी टू एंड मी टू लुक्स डैश, ए हैप्पी, बी एंग्री, सी सैड, डी इरिटेटेड। अब इसके इमेज को हम सामने रखते हैं, ये गिट्टू है एंड ये मिट्टू है, मिट्टू एंड किट्टू। गिट्टू एंड मिट्टू लुक्स कैसे दिख रहे हैं, हैप्पी, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा हैप्पी। नेक्स्ट सिक्स है, राम एंड टीनू आर प्लेइंग डैश स्नोबॉल, राम एंड टीनू किससे खेल रहे हैं, स्नोबॉल से क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो यहाँ पर चलिए क्या होना चाहिए, विथ, टू, ओवर या इनटू। यहाँ पर इमेज एक बार वापस आप देखेंगे, राम एंड टीनू क्या कर रहे हैं, ये स्नो बॉल से खेल रहे हैं, तो स्नो बॉल के साथ खेल रहे हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ए, राम एंड टीनू आर प्लेइंग विथ स्नो बॉल्स। नेक्स्ट सेक्शन है स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन, जो सेवन एंड एट क्वेश्चन नंबर है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, सेवन, व्हाट डिड यू हैव फॉर लंच, ए I shall walk before lunch, B I like eating pasta, C some sandwiches and orange juice and D let me think। Correct answer है option C, some sandwiches and orange juice। What did you have for lunch, आप lunch में क्या लेंगे, तो क्या हो जाएगा, some sandwiches and orange juice। Next number 8, Malathi, did you enjoy the party, जो कब, यस प्लीज, यस थैंक्स, यस नॉट नाउ, डी वेट। करेक्ट आंसर हो जाता है बी, यस थैंक्स, क्या तुम पार्टी में एंजॉय किए थे, एंजॉय करते हो, यस थैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आइए अब हम अचीवर सेक्शन से देखते हैं। चूज द राइट आंसर, अ हॉर्स, ए बार्क, बी नाइन, सी कू, डी म्यू। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी नाइन, अ हॉर्स नाइन, घोड़े हिन हिनाते हैं। टेन, चूज द नाउन, इसमें से हमें नाउन चूज करना है, नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं, यानी किसी पर्सन्स, थिंग्स, प्लेसेस, उन सभी जगहों को हम नाउन कहते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, फार्मर, फार्मर एक पीपल है जिसे ये नाउन है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए फार्मर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।